एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है वो बार बार याद कराती हैं। दो चार दिनों के बाद फिर उसने कहा, हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा, हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी, हजरत जी आपने डांट दिया मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना आपसे न कहूं तो मैं किस से जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गई, तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है, जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का नेक बंदों का वसीला